गुड मॉर्निंग गाइस, हैप्पी रथ यात्रा टू ऑल। और मैं हो गई हूँ बस रेडी फटाफट, अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने। बेबी ने पूजा की तैयारी कर ली है, सो फिर मुझे ऑफिस भी निकलना है, तो बस दिखाते हैं आपको आगे हमारी घर की पूजा। स्टे सो आफ्टर ऑफिस काफ़ी थक गई हूँ, क्योंकि कल रात से ही बहुत भागम भाग चल रही है, कल शाम से इनफैक्ट, क्योंकि जब हम मार्केट से आए काफ़ी लेट हो गई थी। उसके बाद फिर खाना वाना सब करते करते, आपने देखा ही होगा कि लेट नाइट प्रसाद करते करते देर हो गई, बट ठीक है, पूजा में मुझे अच्छा लगता है ये सब करना। सो बस कल आपको मैंने दिखाया था अपने ब्लॉग में कि रोड में छोटे छोटे रथ मिल रहे थे मार्केट में, सो इट इज़ सो क्यूट। आज मैं देखा मैंने बाहर कि जब मैं ऑफिस से निकली, जब मैं घर को आ रही थी, तो छोटे छोटे बच्चे वो ब्यूटीफुली रथ को सजा के रोड पे घूम रहे थे। और यहाँ पे ये मैंने देखा है, मैं जमशेदपुर में ऐसा नहीं देखा था मैंने, सो इट वॉज़ सो क्यूट। बट मैं शूट करना चाहती थी, पर इतना रश होता है यहाँ पे रोड पे कि आप बाइक या कार कुछ भी रोक नहीं सकते हो, आपको एकदम मतलब इतनी ज़्यादा रश और इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता है, बट आई विश मैं शूट कर पाती। इट वॉज़ सो क्यूट। और बस बाकी आज का दिन बस पूजा में था, और हम लोग, मैं तो ऑफिस चली गई थी, ये सब घर पे थे, और इन्होंने थोड़ा बहुत भोग वोग खाए, कुछ थोड़े बहुत स्पेशल चीज़ें बनी। अब मैं आई हूँ तो देखते हैं, फरमाइश तो है कि, और मुझे भी बड़ा मन है आज खीर खाने का, क्योंकि ऐसे कुछ पूजा हो या ऐसे कोई स्पेशल ओकेजन हो तो हमारे घर में खीर बनती है। सो आई एम गोना मेक, देखती हूँ मैं कौन सी खीर बनाऊँगी, आई डोंट नो, हो सकता है मैं गुड़ वाली भी बना लूँ या चीनी वाली, तो देखते हैं। खीर पूरी खाने का बड़ा मन है, देखते हैं क्या होता है, अभी तक तो कुछ डिसाइड है नहीं, जैसे जैसे डिसाइड होगा, अभी बच रहे हैं 8:30, अभी तक जनाब का कुछ मूड हुआ नहीं है, पता नहीं, बता नहीं रहे क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, तो देखते हैं। जाती हूँ किचन, बनाना तो पड़ेगा। और ये बन रही है हमारी गर्मागर्म खीर, अभी तो बहुत बनना बाकी है। आइए अब आपको मैं मिलाता हूँ हमारी गुले गुलजार से। क्या बबे को ऐसी बहुत नींद आ रही है, क्यों भाई थक गए हो ना कल से? आज तब सुकून की नींद सोने वाली है, हैं? क्यों दांत दिखा रही है बेबो? हैं? मौसी मौसी, मौसी आएगी कल से, मौसी मौसी। मतलब मैं आपको एक अपडेट दे रहा हूँ कि कल से हमारी जो हाउस हेल्प है वो रिजॉइन कर रही है आफ्टर 4 months, और आप क्यों खुश हो रही है बेबो? मुझे इतनी खुशी ना आपके प्रपोज करने पे भी नहीं होती जितनी मौसी के लौटने में हो रही है। आप क्यों इतना खुश? खुश तो मुझे होना चाहिए, कुछ तो मुझे होना चाहिए 4 महीने से। आगे मैं नहीं बोलू, नहीं बाबा इज्जत का फालूदा आपकी मेरी गाइस। हाँ तो मतलब कोई ऐसा कुछ मेरे लिए कोई खास फर्क है नहीं, तो आप इतना क्यों खुश हो रही है? हाँ थोड़ा एक होता है ना कि चलो मतलब आ रही है, कुछ तो मुझे होना चाहिए, बर्तन तो मैं धोता था, किचन का काम तो मैं करता था। मैं ना जॉर्ज, मैंने वो
भेद खुल जाएगा। तो मैं भी कभी 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 मैं भी थोड़ा बहुत नहीं, कभी कभी में जो पॉज है ना वो बहुत लंबा है, कभी 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 जैसे मैं रूम की सफाई फाई कर लेती थी तो अब मेरे को थोड़ा सा रिलीफ होगा कि घर की। एक मिनट, रूम की सफाई अपने लास्ट कब की थी वो? ये तो संडे मैंने साफ किया था, दो संडे पहले हैं। एकदम कच्चा पल्स वाला झूठ बोलती है। नहीं, दो संडे पहले मैंने किया था, तो याद नहीं मैंने किया था। हाँ मैंने किया। सो आई एम वेरी हैप्पी कि फाइनली मौसी आ रही है। खुश मैं हूँ। तो कल से मतलब तो ऐसे भी सोती है, मतलब ऐसे भी रोज आ रही थी इस खुशी में, बट बहुत ज्यादा थके हुए हम लोग। अब बस नींद आ रही, सोना है। तो हम इसी के साथ मिलते हैं आपको कल, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू लाइक सब्सक्राइब टू आवर चैनल विच इज पूजा आनंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।